डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल डियर डीपी सर लर्न विद फन में। आज का हमारा ये वीडियो नियोजन और विकास और नीति आयोग विषय पर केंद्रित है। इस वीडियो में हम नीति आयोग और नियोजन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नियोजन क्या है, नियोजन किसे कहते हैं, और जानेंगे हम भारत में नियोजन के लिए क्या योजनाएं बनाई गई, और इसके साथ ही हम जानेंगे नियोजन क्यों किया जाना चाहिए, नियोजन के उद्देश्य क्या है, और इसके साथ ही हम जानेंगे भारत में जो नियोजन करता है यानी योजनाएं बनाता है वो नीति आयोग बनाता है। तो हम इसमें नीति आयोग के बारे में भी जानेंगे और जानेंगे हम नीति आयोग के संगठन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं नियोजन के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, हर व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहता है। अपने भविष्य की चिंताओं के समाधान के लिए वो योजनाएं बनाता है। चाहे एक किसान हो, विद्यार्थी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है और इन चिंताओं का समाधान करने के लिए वो योजनाएं बनाता है, प्लानिंग करता है। हम सोचते हैं कोई भी व्यक्ति है जिसे गाड़ी लानी है तो उससे पहले वो योजना ही बनाता है कि कौन से कलर की लानी है, कौन सी कंपनी की लानी है, कितने अमाउंट की लानी है, कहाँ से लानी है। विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई जाती है जिसे हम नियोजन या प्लानिंग कहते हैं। देखिए, नियोजन शब्द अगर इसको इंग्लिश में समझें तो नियोजन का सीधा सा मतलब होता है प्लानिंग, यानी किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में योजनाएं बनाना नियोजन कहलाता है। नियोजन का मतलब भविष्य के बारे में अनुमान लगाना, किसी भी कार्य को करने से पहले उसके संबंध में सब कुछ पूर्व निर्धारित करना ही नियोजन कहलाता है। यानी उसके बारे में, किसी कार्य को करने से पहले उसके बारे में योजना बनाना ताकि वो कार्य सफल हो सके, उसको हम नियोजन कहते हैं। चलिए, नियोजन को अगर कुछ शब्दों में कहें तो नियोजन का मतलब सोच समझकर इस प्रकार योजना बनाना ताकि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम लाभप्रद उपयोग किया जा सके, इसे हम नियोजन कहते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि नियोजन किसे कहते हैं। तो नियोजन का मतलब हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उनका लाभप्रद उपयोग करने के लिए योजनाएं बनाना नियोजन कहलाता है। तो नियोजन मतलब संसाधनों का यानी सोच समझकर इस प्रकार योजनाएं बनाना ताकि हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन हैं उनका अधिक से अधिक लाभप्रद उपयोग किया जा सके, उसे हम नियोजन कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं विद्यमान थी। गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, उद्योग व कल कारखानों का विकास करना, सूचना प्रौद्योगिकी को गति देना, इसके अलावा विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी और बहुत सारी चीज़ों का विकास करना था। कारखाने नहीं थे, सूचना प्रौद्योगिकी नहीं थी, विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी की कमी थी और देश में इसके अलावा विभिन्न प्रकार की आर्थिक समस्याएं, गरीबी, बेरोजगारी, इन सभी को दूर करने के लिए देश के विकास के लिए योजनाएं बनाने की आवश्यकता थी। इस कारण हमारे देश में बहुत सारे योजना बनाने के लिए चर्चा की गई थी और आप सभी को पता है ये योजना हमारे देश में योजना आयोग बनाता है। योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। सबसे पहले जो नियोजन है इसकी शुरुआत 1928 में सोवियत रूस में की गई थी और वहाँ पर नियोजन को अभूतपूर्व सफलता मिली, जिसके कारण हमारे देश में भी आज़ादी के बाद इनको अपनाया गया था। और इसके लिए हमारे देश में नियोजन के लिए बहुत सारे हमारे देश के विद्वान थे जिन्होंने देश में विकास के लिए, भारत को आगे ले जाने के लिए योजनाएं बनाने के लिए अपने प्लान शुरू किए, जिनके बारे में हम बात करते हैं। भारत में नियोजन की शुरुआत किस प्रकार हुई, तो सबसे पहले इसमें नाम आता है एम विश्वेश्वरैया, जिन्होंने 1934 में अपनी एक पुस्तक लिखी प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया, और इस पुस्तक में उन्होंने भारत के विकास के लिए योजनाएं एक योजना प्रस्तुत की।
और जिसमें ये आशा की गई कि इस योजना को अगर अपनाया गया तो 10 वर्ष में देश की आय में जो राष्ट्रीय आय है उसमें उसको डबल किया जा सकता है। तो इस प्रकार भारत में नियोजन के लिए सबसे पहली योजना 1934 में एम विश्वेश्वरैया के द्वारा प्रस्तुत की गई, जो कि 10 वर्षीय योजना थी। यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए हो सकता है कि एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक का नाम बताइए, तो यहाँ पुस्तक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। और ये जो योजना, इसमें योजना बनाई थी सबसे पहले एम विश्वेश्वरैया ने, 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की। और इसके बाद मुंबई के कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक योजना प्रस्तुत की कि देश को किस प्रकार आगे बढ़ाया जा सके, जिसे हम बॉम्बे योजना कहते हैं, क्योंकि ये योजना मुंबई के कुछ व्यापारियों के द्वारा बनाई गई थी 1944 में। यानी विश्वेश्वरैया के 10 वर्ष बाद मुंबई के व्यापारियों ने योजना प्रस्तुत की, जिसे बॉम्बे योजना कहते हैं। इसके बाद श्री मन्नारायण ने एक योजना प्रस्तुत की, जिसे गांधीवादी योजना के नाम से जानते हैं। और एक योजना इसी प्रकार जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसे सर्वोदय योजना कहते हैं। एक योजना और थी एम एन राय की, जिसे जन योजना के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार भारत में नियोजन के लिए देश के बुद्धिजीवी लोगों ने योजनाएं प्रस्तुत की, ताकि भारत की जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सके, देश में देश को शीघ्र ही प्रगति के पथ पर ले जाया जा सके। इसलिए देश के विभिन्न जागरूक लोगों ने ये योजनाएं प्रस्तुत की। तो भारत में यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि भारत में नियोजन की शुरुआत कहाँ कैसे हुई, तो आपको ये बताना एम विश्वेश्वरैया की, फिर उसके बाद बॉम्बे योजना, गांधीवादी योजना और सर्वोदय योजना। इस प्रकार भारत में नियोजन की शुरुआत हुई। भारत में नियोजन यानी ये योजना प्लानिंग बनाने का कार्य करता है योजना आयोग करता है। देखिए, योजना आयोग की स्थापना इन विद्वानों के द्वारा भारत में प्रस्तुत प्लानिंग योजनाओं को देखकर एक पूरे देश में माहौल तैयार हो गया, जिसके फलस्वरूप जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद देश में योजना बनाने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया गया, जिसे 15 मार्च 1950 में गठित किया गया था। लेकिन वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया है। योजना आयोग का जो स्ट्रक्चर था उसको बदल दिया गया है, अब योजना आयोग नीति आयोग में बदल चुका है। आप सभी को पता होना चाहिए नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखे, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया और अब इसको बदल कर इसका नाम नीति आयोग हो चुका है, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, आगे पढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। अब बात करते हैं हम देश में जो योजनाएं बनाता है, नीति आयोग बनाता है, योजनाओं की आवश्यकता क्या है, नियोजन क्यों किया जाना चाहिए। एक बड़ा क्वेश्चन आपके परीक्षा में बन सकता है कि नियोजन क्यों किया जाना चाहिए, नियोजन की आवश्यकताएँ क्यों हैं। तो देश में जो नियोजन है उसकी आवश्यकता क्यों है। तो पहला, संसाधनों का समुचित उपयोग करना, यानी हमारे देश में जितने भी संसाधन हैं उनका समुचित उपयोग करना, देश की प्रगति में जो संसाधन काम में नहीं आ रहे उनको काम में लेना। दूसरा, बेरोजगारी दूर करना। तीसरा, कौशल विकास करना, आर्थिक असमानता कम करना, देश का विकास करना, आय में वृद्धि करना, सामाजिक उन्नति करना और जन कल्याण करना, ये नियोजन के महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम समझते हैं नियोजन का मतलब क्या हो गया। देश के परिपक्ष में देखें तो देश की जितनी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए नियोजन किया जाता है। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, कौशल विकास करना, गरीबी दूर करना, बेरोजगारी दूर करना, संसाधनों का समुचित उपयोग करना, देश की आय बढ़ाना, राष्ट्रीय विकास करना, जन कल्याण करना। इस प्रकार आप अपने मन से भी नियोजन के उद्देश्य लिख सकते हैं। तो नियोजन का उद्देश्य देश का विकास करना, इस प्रकार ये 8 बिंदु है जिनके आधार पर हम नियोजन क्यों किया जाना चाहिए इसके बारे में हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना कि भारत में नियोजन की शुरुआत किस प्रकार हुई और नियोजन क्या है, और तीसरा क्वेश्चन हमने जाना नियोजन क्यों किया जाना चाहिए, नियोजन की आवश्यकता क्या है। तो यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन आपके बन सकता है कि नियोजन क्यों किया जाना चाहिए, और एक छोटा सा क्वेश्चन, नियोजन जो योजना आयोग प्लानिंग यानी नियोजन के लिए योजना ही बनाता है, उसकी स्थापना कब हुई
और वर्तमान में उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इसके बारे में भी अभी हम आगे देखने वाले हैं। योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग में बदल चुका है, तो आइए देखते हैं 1950 में स्थापित योजना आयोग को प्रतिस्थापित करने के लिए अब वर्तमान में 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर दिया और उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया जा चुका है, जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी और इसके साथ साथ भविष्य में आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। योजना आयोग का नाम क्या है वर्तमान में, तो नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। और नीति आयोग का गठन कब किया गया, 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा नीति आयोग का गठन किया गया था। यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आप ध्यान रखें, नियोजन क्यों किया जाना चाहिए, उस प्रश्न के साथ साथ भारत में नियोजन के लक्षण क्या है, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं, तो आप दोनों को इस प्रकार सेम लिख सकते हैं। और एक अच्छा नियोजन किस प्रकार किया जाना चाहिए, उसके लक्षण क्या होते हैं, तो उसमें भी आप नियोजन क्यों वाले जो बिंदु है वो सभी लिख सकते हैं। हमारे देश में जो नीति आयोग है, भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है, जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। यानी नीति आयोग हमारे देश की जो भारत सरकार है उसको सुझाव देता है और उसके आधार पर प्लान बताता है, उन प्लान के आधार पर देश में योजनाएं बनाई जाती है। योजना आयोग पहले पाँच वर्ष की योजनाएं बनाता था, जिसे हम पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से जानते हैं, लेकिन वर्तमान में उसका ढांचा बदल दिया गया है। अब त्रिवर्षीय और सप्तवर्षीय और इसके साथ साथ विभिन्न लंबे समय के लिए योजनाएं बनाई जाती है, जिनके बारे में अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो भारत में नियोजन के लिए योजना आयोग बनाया गया था और वर्तमान में वो नीति आयोग में बदल चुका है। अब ये जो नीति आयोग है, इसके गठन के आधार क्या है, नीति आयोग योजना आयोग को बदला क्यों गया और उसको बदलकर नीति आयोग क्यों बनाया गया, तो इसके गठन के कुछ आधार है। पहला है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। भारत सरकार की ये मंशा है कि जो देश के विकास की योजनाएं बनती है उनमें राज्यों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया जा सके, इसके लिए जो हमारा सहकारी संघवाद है, भारत विभिन्न राज्यों का संघ है, तो देश के साथ साथ राज्यों को भी देश के विकास की योजनाओं में भागीदार बनाने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया। तो पहला ऑप्शन हो गया सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, दूसरा राष्ट्रीय विकास करना, तीसरा राज्यों का साझा मंच तैयार करना, क्योंकि देश के विकास की योजनाएं ज़्यादातर भारत सरकार के द्वारा तैयार की जाती है, तो सरकार यह चाहती है कि राज्य भी उसमें सक्रिय भूमिका निभाए, इसके लिए योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया। और इसके साथ ही चौथा बिंदु है विकास के लक्ष्य प्राप्त करना। तो नीति आयोग गठन के जो महत्वपूर्ण आधार है वो चार मुख्य आधार है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय विकास करना, राज्यों को साझा मंच प्रदान करना, विकास के लक्ष्य प्राप्त करना। ये चार नीति आयोग के गठन के आधार है, जिनको हम एक ट्रिक से भी समझ सकते हैं। वी यानी राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना, मैं यानी यहाँ पर एक ट्रिक से यानी विमल सिंह के नाम से ये एक लाइन याद करके भी हम नीति आयोग के गठन के आधार को हम अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। वी यानी राष्ट्र विकास करना, मैं यानी मंच प्रदान करना यानी राज्यों को मंच प्रदान करना, ले यानी लक्ष्यों को प्राप्त करना, और सिंह यानी संघवाद को बढ़ावा देना। इस प्रकार ये नीति आयोग गठन के चार आधार है, वी यानी विकास यानी राष्ट्रीय विकास, मैं यानी मंच राज्यों को साझा मंच प्रदान करना, ले यानी लक्ष्य प्राप्त करना, देश के विकास के जो लक्ष्य है उनको प्राप्त करना, और सिंह यानी संघ को बढ़ावा, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। इन उद्देश्यों को लेकर नीति आयोग का गठन किया गया। अब बात करते हैं हम ये जो नीति आयोग है, इस नीति आयोग की नीति आयोग गठन के उद्देश्य क्या क्या है, इसका गठन क्यों किया गया, तो सीधी सी बात आपको समझनी है। नीति आयोग का गठन का उद्देश्य जो कि आधार है वो भी हम उद्देश्य में लिख सकते हैं। इसके गठन के उद्देश्य देश के विकास के लिए योजनाएं बनाना, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास करना, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएँ तैयार करना, दीर्घावधि के लिए नीति और कार्यक्रम तैयार करना, समाज के वंचित वर्गों पर ध्यान देना, और इसके साथ ही बुद्धिजीवी और संस्थाओं को विकास में भागीदार बनाना, इन सभी बातों को लेकर योजना आयोग का गठन किया गया है।
यहाँ पर योजना आयोग मुख्य रूप से आप अपने मन से सोचें, योजना आयोग यानी नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है, देश के विकास की योजना ही बनाना, तो अपने मन से भी लिख सकते हैं कि राष्ट्र का विकास करना, देश को आगे बढ़ाने के लिए प्लान बनाना, ग्राम स्तर पर योजनाएं बनाना, समाज के वंचित वर्गों के लिए कार्य करना, देश में बुद्धिजीवी और संस्थाएं उनको विकास में भागीदार बनाना, दीर्घ अवधि के लिए योजनाएं तैयार करना, ये सभी नीति आयोग के मुख्य उद्देश्य है जिनको लेकर नीति आयोग गठित किया गया था। अब जानते हैं नीति आयोग की जो संरचना है वो किस प्रकार है, नीति आयोग का संगठन कैसा है। तो याद रहे, नीति आयोग का जो अध्यक्ष, देश का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो देश के जो नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। याद रखें आप, नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा देश का जो भी प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष है। इसके साथ ही वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। इसके साथ ही नीति आयोग में पहले दो पूर्णकालिक सदस्य होते थे, लेकिन वर्तमान में इसका पुनर्गठन कर दिया गया है और वर्तमान में अभी इसके पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 3 है। श्री वी के सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर वी के पॉल, ये 3 इसके पूर्णकालिक सदस्य है, यानी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, एक उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार और 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, और इसके साथ ही एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होता है जिनके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। नीति आयोग को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसके एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं जिसको CEO के नाम से जाना जाता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत है, और इसके साथ ही 4 पदेन सदस्य होते हैं, जैसे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और कृषि मंत्री, ये 4 मंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ये 4 जो मंत्री है नीति आयोग के पदेन सदस्य है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, नीति आयोग में मुख्य रूप से जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या वर्तमान में 3 है, पहले 2 थी, और इसके साथ ही मंत्रिपरिषद के जो 4 मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं वो पदेन सदस्य होते हैं। तो वर्तमान में 4 जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं वो इसके पदेन सदस्य हैं। इसके साथ ही नीति आयोग के कार्य को देखने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जो कि श्री अमिताभ कांत वर्तमान में नीति आयोग के कार्यकारी अधिकारी है। और इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में राजीव कुमार है। तो इस प्रकार हमने नीति आयोग का ढांचा देखा, नीति आयोग का गठन कब किया गया। तो याद रहे, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था जो कि योजना आयोग के स्थान पर गठित किया गया है। तो याद रहें, जो नीति आयोग है हमारे देश में नियोजन के लिए कार्य करता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये पूरा चैप्टर कक्षा 12 की इकाई 4 का पहला अध्याय नियोजन और विकास, आज ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो बनाने के लिए काफ़ी टाइम और मेहनत लगती है, कम से कम 8-10 दिन की मेहनत के बाद मैंने ये वीडियो तैयार किया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को फ़ायदा मिल सके, और सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं ताकि और हम आपके लिए और ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहें। तो थैंक यू एंड बाय बाय फॉर वॉचिंग।